केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करने का भरोसा दिया। आइए सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। आज मेरा सौभाग्य है कि बिहार के किसानों के साथ मेरी सीधे बात हो रही है। मैं मंगल जी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं, उन्हें किसान की सेवा का सौभाग्य मुझे दिया है और किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये काम नहीं है, मेरे लिए पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के किसानों का और कृषि का कल्याण कर सके। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर, और उसके लिए वो 3 गुना ज्यादा और तेज गति से काम करेंगे। तो हमारे मन में भी एक संकल्प पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी अकेले का, हम भी पूरी ताकत से काम करेंगे, लेकिन विकसित भारत, विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं बन सकता। हमको पूरी ताकत से काम करना पड़ेगा। मैं बिहार की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उपमुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं। लगातार खेती की और किसानों के कल्याण के काम में लगे हैं। अभी आपका ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है, 3 पे काम हुआ है और राज्यों में निष्ठा देखे तो मन प्रसन्न हो गया। अपना मखाना हो, कतरनी चावल हो, मकई पान हो, यहाँ की शहद हो, यहाँ का मक्का हो, यहाँ की चाय हो और यहाँ की चाह हो, वो सचमुच अद्भुत। बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। छोटी छोटी जोत के आकार, हमारी समस्या अलग प्रकार की। बड़ी लैंड होल्डिंग, बड़ी जमीन के टुकड़े हमारे पास कई है। 91% किसान ऐसे जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर तक सीमांत किसान, और खेती के छोटे टुकड़े में अपने टैलेंट का और परिश्रम का इस्तेमाल करके बिहार के किसान चमत्कार कर रहे हैं। मैं किसान भाई और बहनों को बधाई देता हूं। और जहां तक किसानों के कल्याण का सवाल है, 6 सूत्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जिन पर हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखो, खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और उसमें पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना पर एकड़ या पर हेक्टर या पर बीघा। अलग अलग जगह अलग अलग मापने के हमारी परंपराएं हैं। उत्पादन कैसे बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छे बीज। आज जब मैं आया तो मुख्यमंत्री जी, मंगल जी साथ थे, तो एक ही बात उन्होंने कही कि आप दलहन का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाएंगे हमारे किसान, लेकिन हमें अच्छे बीज नहीं मिले। मक्के के क्षेत्र में क्रांति हो रही, उत्पादन बहुत अच्छा है लेकिन और संभावना है बढ़ने। हर फसल के बीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन और तिलहन हो, बीज चाहिए पहले, बीज मूल है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर हमने ध्यान केंद्रित किया और मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 65 प्रजातियों के
65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज हमने रिलीज किए, जैसे धान की एक किस्म हमने विकसित की है जिसमें 30% कम पानी लगेगा। बिहार में भी चिंता थी, सुखाड़ की आशंका थी, भगवान की कृपा है तो बारिश अच्छी हो गई और धान की बुआई लगभग नहीं हो गई, धान में पानी ज्यादा लगे। तो पानी ज्यादा लगता है तो उसमें भी खर्चा पड़ता है, और ये ऐसी धान की किस्म जिसमें 30% पानी कम लगेगा, बुआई सीधी हो जाएगी, रोपाई की जरूरत नहीं, सीधी मतलब जैसे गेहूं की बुआई करते हैं डायरेक्ट, मचाने की खेत जरूरत नहीं है कि पहले पानी भरा और फिर उसको मचाया फिर उसको रोपाई की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बाजरे की एक किस्म 70 दिन में आ जाएगी। मैं अलग अलग बीजों के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी खेतों में गए थे, आपने देखा होगा वो कार्यक्रम, हमें लगा कि हाल में क्या करना, खेतों में ही करें कार्यक्रम। तो अलग अलग खेतों में आम के बाग में भी आम की बीज किस्में जहां विकसित की, धान के खेत में, बाजरा के खेत में गए। मैं कह रहा था पहली चीज है बीज, अच्छे बीज, और आपने अच्छे बीज की बात कही है। मैं बिहार के किसानों को आश्वस्त करता हूं कि हाइब्रिड और अच्छा उत्पादन देने वाले बीज, ऐसे बीज भी अब बन रहे हैं जो जलवायु के अनुकूल, न बढ़ते तापमान में भी जिनकी उपज कम ना हो, क्योंकि आजकल धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, तो वैसी परिस्थिति में भी अच्छा उत्पादन है। और अभी जो आपने कहा है मक्का के दलहन के अच्छे बीजों का भारत सरकार उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब बाहर नहीं आए, अब तो मैं आईसीआर से बात करूंगा सीधे, आज आपने कहा सीधे मैं जाके बात करूंगा, हमारे आईसीआर के अधिकारी आपके संपर्क में आए और सीधे आपसे बातचीत करके यही सीड का उत्पादन कैसे हो, ब्रीडर सीड जो बनता है उससे यही फाउंडेशन सीड बने और यही सर्टिफाइड सीड बने, ताकि बिहार के किसानों को आसानी से बीज की उपलब्धता हो जाए। उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा था बीज की जरूरत है, इनपुट की जरूरत है, अपने ड्रोन की बात कही, बिल्कुल सही बात कही आप। वैसे हम यूरिया डालते हैं तो कहीं कम डलता है कहीं ज्यादा डलता है, यूरिया कुछ फसल को मिलता है कुछ जमीन में व्यस्त हो जाता है, कुछ फसल के साथ खरपतवार को ही मिल जाता है, लेकिन ड्रोन से सिंचाई अगर होती है तो ड्रोन से अगर हम खाद पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो दस, आप ये मानिए कि लगभग 30% तक खपत कम हो जाती तो पैसा बचता है, एक जैसा पड़ता है। तो ऐसे तरीकों का उपयोग भी करेंगे, उत्पादन की लागत घटाना हमारा दूसरा संकल्प है, कैसे कम पैसे लगेंगे, और उसके लिए अलग अलग पद्धतियों की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा कम पानी की सकते हैं, जरूरी नहीं करना तो मजदूरी का पैसा लग जाएगा, कम पेस्टिसाइड पे काम चल जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से हमारा कई काम हो जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड हमारी कौशल कोई किसान को नहीं छोड़े, जिसको खाद के लिए बीज के लिए सस्ता लोन मिल जाए, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो पैसा मिलता है वो समय पर चुकाते हैं, केवल 4% ही ब्याज लगता है, तो कोशिश लगातार जारी। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम देना। अभी हमारे एक मित्र ने कहा मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 23 फसलों की एमएसपी, और जब दूसरी सरकारें होती थी कांग्रेस वगैरह की तो कभी लागत पे 50% प्रॉफिट जोड़ के उन्हें एमएसपी घोषित नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने की। यहाँ जो कुछ और मुद्दे उठाए गए उस पर भी हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। मखाना अब यहाँ का धूम मचा रहे, मुझे मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ थे तो उन्होंने बताया कि कार्यालय एक्सपोर्ट कर, मखाना एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मखाना हमारे यहाँ,
और मखाना से बाकी चीजें अगर विदेश जाती है, एक्सपोर्ट होती है, चाहे किसान को ज्यादा फायदा होगा, किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसलिए मखाने के एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यालय बिहार में आए, इसके लिए भी मैं आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी से चर्चा करके इसकी व्यवस्था करेंगे, ठीक दाम मिल जाए। फिर कृषि का विविधीकरण एक पक्ष, परंपरागत फसलों के साथ मैं उनका मना नहीं कर रहा, थोड़ा सा खेती का पैटर्न बदलना पड़ेगा। कैश क्रॉप ज्यादा पैसा देने वाली क्रॉप, हमको उनकी तरफ भी जाना पड़ेगा। और बिहार जा रहा है, मुझे खुशी है, मक्का का क्षेत्र है, कितना बढ़ेगा, इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं, तो मक्के के रेट ठीक मिल रहे हैं। तो ये कृषि का विविधीकरण सरकार का जो रोड मैप है प्रदेश सरकार का, उसमें है ये, और भारत सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। हम अपनी परंपरागत फसलों के साथ साथ ज्यादा पैसा देने वाली फसल, ऐसी फसलें जिनकी विदेश में भी डिमांड हो, और उस स्तर की फसलें के अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाए, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।